पार्क कहते हैं आप, तो इस पार्क के बाद पूल जाकर जरा टाइमिंग क्या होना और उसकी टिकट प्राइस करना सब आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी देते हैं, सब बताते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्क का नाम है शहीदी पार्क, जो कि आईटीओ के पास मिला है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन में आप उतरेंगे, 5 नंबर या 4 मिनट से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर 5 से 7 मिनट चलना होगा और सीधा इस पार्क तक पहुँच जाएंगे। और बताइए जैसी टाइमिंग तो सुबह 10 से शाम को 9 बजे तक खुला रहता है और इसका उद्घाटन भी 9 अगस्त का हुआ है। तो फिलहाल अभी नया पार्क तो बहुत अच्छा बना रहता है, तो इस पार्क की जो जो डिटेल आपको सब दिखाने वाले, पूरा पार्क घुमाने वाले, 5 एकड़ बना पार्क है ये, तो वो आपको ले चलते हैं पार्क के अंदर घुमाते हैं। तो चले चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये है G20 का, मैंने कहा भारत 2023 इंडिया वासुदेव कुटुंब, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वेलकम टू दिल्ली वर्ल्ड लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी। तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट वेस्ट बने चीज़ों से जगह है ये दिल्ली अपनी, ना तीसरा पार्क बना इस तरह का ये वेस्ट चीज़ों से। ये 6 महीने बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की मूर्ति बना रखी है, तो देखते हैं। ये इसका एंट्री गेट है सामने तरफ, अभी टिकट लेके जाएंगे देखेंगे और आपको टिकट कितने रुपये की है। तो चलिए चलते आगे बढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं सामने तोप बना रखी है और यहाँ वेस्ट 3D टाइप में कुछ बना रखा है, देख सकते हैं। ये ऊपर घोड़ा, उनके ऊपर घुड़सवार, ये ऊपर देख सकते हैं यहाँ गांधी जी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह देखते हैं आप, झांसी की रानी, इस तरह से 3D बना रखा है, ये वेस्ट बना रखा पूरा। ये सारे जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं उनकी दर बना रखी है, उनकी याद में ये पार्क बनाया गया है। तो चलिए इस पार्क के अंदर चलते हैं और टिकट पता करते हैं कितने की है। तो आज जैसे देख सकते हैं ये है शहीदी पार्क, भारत का प्रथम बहु संग्रहालय वाहन, और यहाँ पर चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो अंदर तरफ चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो इसका एंट्री गेट है और आगे बढ़ते हैं, टिकट देखते हैं टिकट की थोड़ी, टिकट काउंटर हमारे क्या साथ में देख सकते हैं, टिकट काउंटर टिकट लेकर पता है टिकट हमें कितने रुपये की पड़ी है। तो वैसे जैसे हम टिकट ले लिए, टिकट हमें पड़ी 200 रुपये की, हम 2 जने तो पर पर्सन हुए 100 रुपये, तो इसमें आप 4 घंटे का वेटिंग है, इसमें 4 घंटे इस पार्क अंदर घूम सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी तरह से पार्क को एक्सप्लोर। तो गाइस एंट्री करते हैं हमें दिख जाता है ये पानी का फाउंटेन, जहाँ पर आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन मार्ग है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप काफ़ी साफ़ सुथरा भी है और लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, तो अपनी सेल्फी लीजिए आपकी और इसकी पार्क में आइए। तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इस फाउंटेन में देखते हो आगे बढ़ते आगे हमें देखो क्या मिलता है। तो गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पर राजा भरत के नाम के बारे में जानकारी दे रखी है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भी है। तो कहानी ऐसी है कुछ इनकी कि बचपन में जब अपने खेलते थे वनों के अंदर, ये जानवरों के साथ काफ़ी खेलते थे, या तो उनको पकड़ लेते बांध देते रस्सी से, या उनके साथ खेलते थे उनकी सफाई करते थे। तो इसे देख सकते हैं अपने स्टैचू में रखा है उनका ही सिंह के मुंह में हाथ डालते हुए, देख सकते हैं काफ़ी शानदार लड़का है ये भी वेस्ट चीज़ों से लड़का है, जो वेस्ट चीज़ होती है और साइज देख सकते शेर का कितना बड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छी तरह जाते हैं। तो वैसे वो बढ़ने पर मैं आपको दो रास्ते दिखेंगे, इस तरफ रास्ता ये सर, ये रास्ता इस तरफ से। तो पहले हम इस साइड चलते हैं, देखते हैं इस तरफ हमें देखो क्या मिलता है। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं आपको दिखाते हैं। तो वैसे देखते हैं लिखा है महावीर जी 5,425 BC, शर्त में संख्या का वर्गमूल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर संख्या जिसका वर्गमूल मौजूद नहीं है, तो जैसे सकते हैं यहाँ पर महावीर जी का चित्र आता है और इस साइड आते हैं देखते हैं क्या देखने मिलता है। तो लिखा वासुदेव कुटुंब और लिखा श्री वर्षी भरद्वाज 600 ईसा पूर्व विमान तकनीक के जनक, इन्होंने विमानी तकनीकी जो जन्म देता वो है ये ऋषि भरद्वाज। और आगे बढ़ते देखते क्या देखने मिलता है। वासुदेव कुटुंब वेलकम टू दिल्ली, तो मैंने कहा ऋषि कर्णादक 600 ईसा पूर्व परमाणु गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक, उन्होंने परमाणु गुरुत्वाकर्षण और गति के जो सिद्धांत हैं इनके इन्होंने के वही हैं, इन्होंने भी जन्म दिया उसे, मतलब इन्होंने उसकी खोज करी थी। यहाँ भी लिख रखा है इस तरह से ही कुछ, तो देखा जाए तो ये इस तरह से पढ़ाई लिखाई वाला कोच है, मतलब महर्षि सुशांत
1400 सर्जरी और आविष्कार प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शैली चिकित्सा के सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो देख सकते गाइस यहाँ पर ये कुछ स्किन के ऊपर कर रहे हैं और आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ पर क्या आचार्य जनक और ये जड़ी बूटी में देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ कुछ ये फूट है जड़ी बूटी के यहाँ लिखा रहता है आचार्य जनक और यहाँ पर चलता के बढ़ते पतंजलि 200 ईसा पूर्व जिन्हें के योग की कला तो उन्होंने दुनिया को योग की कला सिखाई थी। जो योगा करते हैं हम जो विदेशों में योगा होता है तो इन्होंने सिखाई थी कला। और यहाँ देख सकते हैं पचहत्तर भी और आगे बढ़ते हैं और ये आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज करी थी 400 ईसा पूर्व करती गोल सूर्य का चक्र लगती सूर्य से दूरी बताया था साथ ही दशमलव भी स्वीकृत की थी। तो इस तरह से आपको देखने का कई मिल जाएंगे एक तरह से ये क्लासरूम के लिए बहुत अच्छी है बच्चों को यहाँ पर ला सकते हैं स्कूल के बच्चे जो है तो उनको सीखना मिल जाए पर कुछ ना कुछ कि ये जितनी भी दुनिया बताती है तो ये सब हमारे ही ऋषि मुनियों का देन है। यहाँ देख सकते हैं आप देख रहे सब चीज़ें तो चलिए चलते आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्या होने वाला। यहाँ पर भास्कराचार्य यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण चंद्र ग्रहण सूर्य की सटीक जानकारी दी होती थी लोग आइंस्टाइन को मान समझते पर नहीं हमारे ऋषि मुनि भी बहुत मान थे इससे ऐसे भास को सोने चुराने कहा जाता था। यहाँ पर हमारे ऋषि अगस्त सबको बिजली के आविष्कार आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान तकनीक के जनक यहाँ बहुत ध्यान सब चीज़ें पर लिख रही है वीडियो पोस्ट करके दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं उस तरफ चलते हैं आगे चलते देखते हैं आगे क्या मिलने वाला और सामने आपको दिखती भारत माता दिखती हुई तो आपको दिखाता हूँ भारत माता बहुत ही खूबसूरत बना रखा है ये भी बेस्ट चीज़ बना रखा है। तो चलिए आपको भारत माता के दर्शन आते हैं बैठ के अपनी सेल्फी ले सकते भारत माता के साथ अपनी आप यहाँ बैठने सीटिंग में आ रही है अच्छी देख सकते पीछे मेरा काफ़ी लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं अपने भारत माता के साथ तो अपनी फोटो खिंचा सकते अपनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इसमें और पास घुमाते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाता हूँ और क्या क्या है पार्क के अंदर और ऐसे बहुत खूबसूरत पार्क रखा है मैं कहता हूँ आपको यहाँ आना चाहिए और इस तरह पार्क को देखना चाहिए बहुत ही खूबसूरत पार्क मारा है अभी वेस्ट मंडल की तरह बिल्कुल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था बिल्कुल आउट ऑफ आना चाहता हूँ बिल्कुल पाया पास चाहता द्वारा भी पीछे सकते जैसे कि आप तो यहाँ पर देखते हैं किस चीज़ की जानकारी देखें तो बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको लिख रखा है भारत का स्वर्ण युग जो कि इसे कहते हैं गोल्डन एज टाइम तो जिस टाइम भारत स्वर्ण युग में था अपने तो उस पर जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे भारत के जो राजा महाराज थे सर्वश्रेष्ठ महाराजा था पौरस महाराज होगा अशोक सम्राट होगा उस तरह के महाराजा कितने भी सबकी यहाँ पर मूर्ति बना रखी है तो यहाँ पर भी लिख रखा देख सकते हैं आप तो आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं ऐसे देख सकते हैं राजा पौरस के आरंभ ने रखा उनकी युद्ध नहीं थी ये हाथों की सुसड़ी सेना इनके पास थी उस टाइम के अंदर राजा पौरस आपने इनके यहाँ पढ़ा भी होगा और आजकल तो इनके टीवी प्रोग्राम भी आते हैं यहाँ पर लिख रखेंगे जानकारी दे रखी है। राजा पौरस वंश के महान शासक थे उन्होंने 340 ईसा पूर्व के 315 ईसा पूर्व तक शासन किया था उनके साम्राज्य पंजाब से झेलमल और चेनबाग के बीच फैला था जब यूनानी शासक सिकंदर भारत पर प्रवेश किया था कोशिश की तो उसका सामना राजा पौरस ने ही किया था सब जानते हैं इस तरह का। तो ये आगे देख सकते हैं चाणक्य जी चाणक्य युद्ध नीति के बहुत ही खतरनाक थे इनकी युद्ध नीति से कोई नहीं बच पाता था और साथ में ही है चंद्रगुप्त मौर्य
उनका बाल स्वरूप है ये, देख सकते हैं जैसे आप, और उनके बारे में जानकारी दे रखी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। जाते हैं समुद्रगुप्त है ये बीड़ा बजाते हुए, और साथ में उनके एक सेवक जो खड़क लेके हाथ में आए हैं। ये राजा बहुत शांति प्रिय थे, लेकिन युद्ध जब होता है तो भैया करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लिख रखा है, इनके बारे में देखिए सब जानकारी दे रखी है साइड। और हम देखते हैं हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के बारे में देखिए, और ये कुछ बता रखे उनके सलाहकार सिपाही, और उनके बारे में जानकारी दे सकती है। अगर आपको कुछ ही पढ़ना हो तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। तो वैसे देख सकते हैं ये मियार भोज, इनका महल देख सकते हैं, इनके बारे में जानकारी वैसे देख सकते हैं। यहाँ राजेंद्र चोला, जो कि दक्षिण भारत के एक बहुत ही मजबूत निर्माण बनाया था, जो कि साउथ साड़ी संगीत आजकल साउथ से चोल साम्राज्य के भी बहुत ही शक्तिशाली आया था। तो इस तरह से ये पूरी देर के आप जानकारी दे सकते हैं आप सब के बारे में। ये महाराणा आमिर सिंह का है, और यहाँ देख सकते हैं आप राणा कुंभ, महाराणा कुंभ, और ये हरिहर बुक्का देख सकते हैं किस तरह से वैश्य से बना रखा है, ये चीज़ भी इनकी जानकारी दे रखी है। इनको तो आप जानते होंगे, ये महाराणा सांगा है, जिन्होंने अपना एक हाथ खो के भी दुश्मन की अपन लोह बनवा लिया था। सकते हैं राजा होमू का दे रखा है आठ बना का हाथी के ऊपर, और वैश्य से बना रखा काफ़ी अच्छा। और इस साइड देखिए आप महाराजा छत्रसाल, और इनकी जानकारी दे रखी है, हम पढ़ सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं यहाँ पर बगल में इनकी है राजा सूरजमल, और देखते हैं यहाँ पर ये छोटी छोटी चेन डाल रखी है रिंग सी, और इनकी जानकारी दे रखी है, आप वीडियो पुश करके पढ़ सकते हैं। तो गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टैचू बना रखा है पृथ्वीराज चौहान जी का, और बहुत खूबसूरत स्टैचू बना रखा है ये भी। आपको पता ही है ये लास्ट का सीन है इनकी मृत्यु होने से पहले का, जब अफगानी राजा इनको कैद करके ले गए थे और इनकी आँखें फोड़ दी थी। तो उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को एक कला आती है कि बिना देखे ही तीर चला के निशाना सा सकते हैं। तो यहाँ पर इनके ये कवि मित्र थे जिन्होंने तो ये राजा को बताई, तो यहाँ पर पृथ्वीराज जी के हाथ में धनुष दिया गया, और उन्होंने फिर जब राजा ने इशारा करा तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने सीधा तीर सीने में गाड़ दिया और आयन में खुद अपनी मौत को गले लगा लिया। और यहाँ देख सकते हैं जानकारी लिख रखी है, पढ़ सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको कुछ पढ़ना तो यहाँ पढ़ सकते हैं, इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा पड़ा। तो ये हमारे देश की वीर योद्धा को नारक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। अशोक सम्राट की मूर्ति बना रखी है, जो कि अपने टाइम में इन्होंने पूरा अखंड भारत बनाया था, और अंत में आके इन्होंने थक के बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि इन्होंने इतना राजाओं को निपटाया था, इनकी गिनती नहीं हुई थी। तो इनके बारे में जानकारी दे रखी है, तो आपको दिखाता हूँ, आप वो पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अफगानिस्तान तक अपना परचम बनाया था। तो आप सुन सकते हैं अशोक स्तंभ भी इनके नाम पे बना हुआ है, तीन शहर का मुख्य जो होता है अशोक स्तंभ वो इनका ही होता है। तो गाइस जैसे देख सकते हैं ये सामने बना रखा है महाराणा प्रताप जी का स्टेचू बना रखा है, और उनके घोड़ा साथ में चेतक भी है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत स्टाइल से बना रखा है। तो यहाँ पर देख रखिए महाराणा प्रताप जी की जानकारी कुछ, महाराणा प्रताप सिंह 19 मई 1550 19 फरवरी और 1597 मेवाड़ में सुसद्य राजवंश के राजा थे। इनका इतिहास नाम से विता से सोल इतिहास पढ़ाता हूँ, और धर्मकरण के लिए अमर है
उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया और उनसे अपना नाम अनुवादा है। तो जैसे आपको काफ़ी खूबसूरत फार्मास्ट है और ऐसे वीरों की आपको देखने मिल जाएगी। तो चले चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको और कुछ। तो गाइस जैसा हमने देखा, हम आगे बढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं अगली गैलरी के लिए। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं फाउंटेन देखने को मिल जाता है हमें, और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे हम सेल्फी भी ले सकते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं हमें देखा क्या देखने को मिलता है। तो इस साइड से देख सकते हैं हमें दिखाने को मिल चुका है यहाँ भी, और महाराजा महाराजा जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए आगे जाके दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मराठा साम्राज्य की जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं देखने को क्या मिलता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक आकृति बना रखी है। ये अपने सामान बैठे पड़े हैं और यहाँ पर एक आया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जानकारी दे रखी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं छत्रपति संभाजी ज्ञान की आकृति बना रखी है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी आकृतियाँ मराठा साम्राज्य की। और आगे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मिल जाएगी आपको बालाजी विश्वनाथ भट्ट जी की मूर्ति, देख सकते हैं यहाँ पर, ये मराठा साम्राज्य के थे। तो यहाँ पर इनकी जानकारी दे रखी है और आगे बढ़ते हैं। तो अगली मूर्ति हमें देखने को मिलती है पेशवा बाजीराव जी की, देख सकते हैं अपने घोड़े के सवार इस तरह की बना रखी है अभी, और काफ़ी खूबसूरत नारी। तो चलिए देख सकते हैं इनकी जानकारी पर, देख सकते हैं यहाँ पर पेशवा बाजीराव जी की सब दे रखी है। तो आगे देखते हैं और आपको दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बना रखी है सदाशिव भावर की, और ये अपने साथ सेना के साथ, ये भी काफ़ी खूबसूरत बना रखा है, देख सकते हैं यात्रा हो। और यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस अगले आकृति में देखने मिलती है माता जी शिंदे जी की, तो देख सकते हैं ये माता जी शिंदे जी, इनकी आकृति बना रखी है पर नाव के अंदर है एक, वो बहुत ही खूबसूरत है। पीछे देखते पहाड़ी इलाका बना रखा है और उनकी जानकारी यहाँ पर दिख रही है, आप पढ़ सकते हैं। अगली मूर्ति हमें देखने मिल जाती है गाइस छत्रपति साहू जी महाराज जी की, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मराठा साम्राज्य के आखिरी थे। तो यहाँ पर जानकारी नहीं दे रखी है, पढ़ सकते हैं। सिख साम्राज्य के आगे अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ को देख रहे हैं सिख साम्राज्य के इतने जो योद्धा थे उनके बारे में। तो चले चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये बंदा सिंह बहादुर जी का बना रखा है, और देखिए कितना खूबसूरत बना रखा है, अभी काफ़ी अच्छा बना रखा है डिजाइन। और इधर है बाबदीन सिंह साहब, बाबदीन सिंह जी, और यहाँ पर है जस्सा सिंह आलूवालिया, तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पर शेर का मुख चीरते हुए बाघ का सरदार हरि सिंह नलवा, देख सकते हैं आप। और इनके जानकारी दे रखी है, पढ़ सकते हैं यहाँ पर भी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर हैं माई भागु का दे रखा है दृश्य बना रखा है। तो इन्होंने भी मुगलों से काफ़ी अच्छा अपना युद्ध करा है, देख सकते हैं। ये हमेशा मर्दाना कपड़ों में रहती थी, जेंट्स की तरह रहती थी बिल्कुल ये, और इनके पिताजी जो इनको मना करते थे, यहाँ पर इनकी जानकारी दे रखी है, देख सकते हैं। माई भागु का देखिए, माई भागु का जन्म झंझेलवाला वंश के अमृतसर रूप में हुआ था, जो आज का अमृतसर है उसमें हुआ था, देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी दे रखी है, पढ़ सकते हैं इसे आप। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये महाराजा रणजीत सिंह जी का स्टेचू बना रखा है, बहुत ही शानदार बना रखा है। इन्होंने मुगलों के खिलाफ, इनका नाम है, अगर आप सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो मुगलों के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, और मुगलों इनके नाम से काफ्ते भी थे, देख सकते हैं आप इनकी जानकारी देख सकते। महाराजा रणजीत सिंह इंग्लिश में है यहाँ पर, यहाँ पर हिंदी में। तो यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें देखने में मिलते हैं छत्रपति महाराज जी का स्टैचू बना को बना पड़ा, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत स्टैचू बना रखा है। पर भी है सिंहासन में बैठे हुए दोनों तरफ शेर, यहाँ पर एक कैदी और उससे पहले खड़ा उसे। तो यहाँ पर जब भी आए अपने फोटो खींच। तो गाइस सब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अगली आर्ट गैलरी। तो चलिए वीडियो बने रहे हमारे साथ, और चैनल पर अगर नया चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, और दूसरा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का पार्क अगर बनना है दिल्ली के अंदर और लोगों को पता नहीं है तो पता लगना चाहिए ना।
ताकि लोग यहाँ पर आ सकें, देख सकें हमारे दिल्ली में काफ़ी अच्छी चीज़ बनी पड़ी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँ वीडियो ज़्यादा शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको दिल्ली के NCR के ऐसे घूमने जगह लाता रहता हूँ और आपको उनका बताता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ पर दे रखा है, नॉलेज यहाँ पर दे रखे हैं पढ़ने लिखने के लिए, देख सकते हैं आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे के बारे में जानकारी दे रखी है और भी वही योद्धा की जानकारी देखिए। यहाँ पढ़ सकते हैं मंगल पांडे का स्टेचू बन रहा है, यहाँ पर मंगल पांडे तलवा लेते हैं पीछे अंग्रेजी सरकार, देख सकते हैं यहाँ पर इसी काफ़ी खूबसूरत मार्ग है। और यहाँ देख सकते हैं जानकारी दे रखी है मंगल पांडे के बारे में, तो यहाँ आप इनको पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं और इतना आगे हम क्या दिखाते हैं, तो चलिए चलते हैं दूसरी साइड बढ़ते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं रानी चिन्नम्मा का बारे देर का, ये भी स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी थी। तो यहाँ पर की जानकारी देख सकते हैं पढ़ सकते हैं आप इसको। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देख दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी है हमारे, तो इनके यार देर बना दिए। और यहाँ पर देख सकते हैं तात्या टोपे जी के यार बना रखा है, यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ एक हाथ में तलवार है और अपने घोड़े पर सवार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है भी, और ये हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने भी अपनी जान दी थी तात्या टोपे जी, इनकी जानकारी दे रखी है, पढ़ सकते हैं। बढ़ता की तरफ यहाँ देखते हैं, तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आप एक तोप के साथ बैठे हैं वीर कुंवर सिंह कुंवर जी और उनके कुछ साथी। और यहाँ पर इसकी जानकारी दे रखी है वीर कुंवर सिंह जी की। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सन्यासी विद्रोह का दे रखा है, चित्र बना रखा है पूरा, तो यहाँ पढ़ सकते हैं जैसे कि आप जानकारी। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं सतल विद्रोह की जानकारी दे रखी है, जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के और योद्धा थे सत्तल विद्रोह के अंदर जो कि आदिवासी थे, यहाँ पर देख सकते हैं और भी जानकारी दे रखी है, पढ़ सकते हैं जैसे कि आप। तो यहाँ पर आपको देखने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का स्टेचू देखने मिल जाएगा कुर्सी बैठते हुए, यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या यूनिफॉर्म रखा है, पढ़ सकते हैं यहाँ देखा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यानी इंग्लैंड के खिलाफ जो विद्रोह कहते हैं इन सबकी दे रखी आकृति। मुंडा जिनका जन्म झारखंड के हुआ था, जो वर्तमान झारखंड कहते हैं उनका, ये भी बहुत बड़ा योद्धा था आदिवासी अपने टाइम के, झारखंड के लोग इन्हें बहुत मानते हैं क्योंकि इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने लिए देश के लिए लड़े थे। स्वामी विवेकानंद जी का है और उनकी जानकारी आगे दिखाता हूँ कहाँ लिख रखी है, उसकी जानकारी पढ़ सकते हैं आप भी। तो ये उनकी जानकारी दे रखी है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की। और आगे बढ़ते हैं, तो गाइस जैसा फाइनली देख सकते हैं अब मैं आपको दिखा रहा हूँ झांसी की रानी जी का चित्र अपने घोड़े सवार और पीछे उनका बेटा दामोदर, जो कि अंग्रेज इनका सगा बेटा नहीं था लेकिन अंग्रेजों ने इनको माना नहीं था कि राजगद्दी पे लड़की नहीं बैठ सकती और आपका सगा बेटा ही बैठ सकता है। तो देख सकते हैं ये चित्र आप, काफ़ी खूबसूरत नरका स्तर का, ये घोड़ा भी काफ़ी खूबसूरत है इनका। अपने मरते दम तक इन्होंने अंग्रेजों के हाथ नहीं आई थी और एंड में इन्होंने वीरगति प्राप्त हो गई थी। तो इसकी बारे में किताब, तो इनकी वीरता की कहानी तो हमने सुनी है। और देख सकते हैं यहाँ पर हल्की लाइटिंग शुरू हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ नाइट भी बहुत खुश लगता है, अगर हम रुके तो नाइट में आपको व्यू जरूर दिखाएंगे।
और यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई जी के घर में सबसे यहाँ जानकारी दे रखी है। मैं सब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा, तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन, तो यहाँ पर सारी जानकारी दे रखी है, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारे जितने भी हैं क्रांतिकारी सब यहाँ पर बना रखे हैं। स्टेचू देख सकते हैं चंपेकर बंधु, जिसे हम चंपेकर ब्रदर्स भी कह सकते हैं, ये तीनों भाई है। यहाँ देखते हैं विपिन चंद्रपाल, ये इनके आरंभ दे रखा क्रांतिकारी योद्धा, ये भी थे और इनकी जानकारी दे रखी है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं यहाँ पर आराम से। तो यहाँ लाला लाजपत राय, इनके मरने के बाद ही भगत सिंह जी ने अब असेंबली में जो कोर्ट था उनका बम फोड़े थे, क्योंकि वहाँ बिल पास हो रहे थे और उन्होंने ही मारे थे एक अंग्रेज को, उसका नाम तो पता नहीं मुझे। और यह डंडी यात्रा, डंडी मार्च, यहाँ गांधी जी देख सकते हैं, यहाँ पर गांधी जी हैं, डंडी मार्च लेके अपने ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सब के सब। और यहाँ पर लिख रखा है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, डंडी मार्च और आज़ाद हिंद की फौज। और यहाँ पर लिख रखा है ये खुद्दीराम बोस, उनका स्टेशन आ रखा है। और यहाँ पर उनकी जानकारी दे रखी है, पढ़ सकते हैं आप आराम से वीडियो पोस्ट करके। विनायक दामोदर सावरकर का स्टेचू और कुछ जानकारी उनके बारे में। और ये आगे बढ़ते हुए हम रस बिहारी बोस, ये देख सकते हैं, यह है रस बिहारी बोस जी और ये अंग्रेज हाथी बैठ के सारे बैठे हुए। यहाँ देख सकते हैं आप चंपन सत्याग्रह, यहाँ पर देख सकते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ये देख सकते हैं एक यहाँ पर कई बेगुना लोगों को मारा था अंग्रेज सरकार ने, यहाँ पर एक दृश्य बना रखा है। उस टाइम भगत सिंह जी बहुत छोटे थे, कह सकते हैं काकोरी, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी स्वतंत्र सेनानी ने अंग्रेजों का जब सामान आता था तो यहाँ पर उन्होंने अपने उनको लूटा था, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है काकोरी का। मिलेंगे सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज, ये सकते हैं, जो कि हिटलर से ये मिलने गए थे तो हिटलर ने कहा था कि तुम्हारा देश डरपोक है, जो कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों से दब गया है। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने उनसे कहा था कि हमारा दोस्त कमज़ोर नहीं है ना डरपोक है, अगर मैं दुनिया सबसे तानाशाह से मिलना आ सकता हूँ यहाँ पर, तो मेरी हिम्मत का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं अकेला आया हूँ, जिसमें हिटलर खुश हो गया था और अपनी फौज इन्होंने के कुछ सिपाही यहाँ पर उनको भेजे थे, देख सकते हैं उनके पढ़ लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आज इनका जो लिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो वो हिटलर से थोड़े से सिपाही लिए थे। दस्ती है पर एक असेंबली का बना रखा है कोर्ट रूम का, ये देख सकते हैं आप, ये सिंह और ये भगत सिंह हैं, ये उनके साथ में उनके मित्र असेंबली में उन्होंने धमाकेल बम करे थे, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर धमाकेल बम जो सीन हुआ था तो यहीं पर हुआ था, यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी भगत सिंह जी की उसके बाद, क्योंकि अपनी आवाज़ वो हर हिंदुस्तान के पहुँचाने चाहते थे। तो यहाँ देख उनके भगत सिंह जी का लिख रहा था, तो कमेंट में एक बार जरूर जय भारत लिखना ना भूले। तो वह यहाँ देखा गांधी जी का मृत्यु नारखी, देख सकते हैं पर आप इस समय ध्यान मुद्रा में, यहाँ देख सकते हैं आप। तो वैसे ये देखने को मिल जाए कुछ चंद्रशेखर आज़ाद जी, इनकी बहुत बार की डिटेल दे रखी है, देखिए घड़ी नारखी है, ये पिस्टल नारखी है, तमंचा इनका जो है, ये भगत सिंह के साथ ही थे, भगत सिंह इनके साथ थे सॉरी, पर ये सीन दे सकते हैं कि इनके लास्ट मोमेंट था बिल्कुल ही,
तो चार तरफ से इनको पुलिस वाले ने घेर लेता अंग्रेजी संतलत ने। तो ये लास्ट इनका हुआ है तीन। तो यहाँ पर इनका क्या देख सकते हैं, इसमें इनकी पिस्टल से एक गोली बची थी, तो अंग्रेजी गोली से ना मरने के जाए अपनी गोली से मरना पसंद करा था। तो इस पेड़ के पीछे खड़ो के इन्होंने अपनी जान दे दी थी, अपने हाथों से अपने आप को ख़त्म कर लेता ताकि अंग्रेजों के हाथ न लग सकेंगे। तो इनकी जानकारी यहाँ दे रखी है, देख सकते हैं ये इंग्लिश में लिखा पड़ा है और यह हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तिरंगा लहराते हुए वहाँ पर राज्यों का एकीकरण करते हुए, और यह भारतीय संविधान की प्ररूप समिति करते हुए, ये बाबा साहब है यहाँ पर देख सकते हैं आप। नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, और यह क्वाली, झलकरी बाई देख सकते हैं, इनके पढ़ सकते हैं भिकाजी काम देख सकते हैं, तिरंगा बढ़ा रखा ना वंदे भारत वंदे मातरम सॉरी। यह है मातंगनी हजरा का स्टेशन रखा, रानी गड्डियाला नल्लू दुर्गा भाभी श्रीवास्तव जी का स्टेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, वही पढ़ सकते हैं यहाँ पर भी। आदि शंकराचार्य नीचे एक मगरमच्छ मार्ग का देख सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर शिवाजी जीजाबाई, ये शिवाजी की माँ जीजाबाई, हमारे शिवाजी बालक रूप में चंद्रशेखर आजाद बचपन में अपने दे सकते हैं यहाँ पर। भगत सिंह उनके बचपन का ये इकट्ठा बना रखा है, और सामने APJ अब्दुल कलाम जी, ये इनका बचपन उनके ना जानकारी, और ये शहादत दिवस दे सकते हैं पीछे, शहादत दिवस के बारे में यहाँ पर जानकारी लेकर के पढ़ सकते हैं आप। एक और आज के लिए बना सर की पूरी चारों तरफ, यहाँ पर हर तरफ आपको बहुत सारा घूमने को मिल जाएगा। मैं कहूँ आप यहाँ पर जरूर आए, अब भी आपसे कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आइए, और अपने बच्चों के साथ फैमिली साथ दोस्तों के साथ जा सकते हैं आप, यहाँ जरूर आना चाहिए आपको। स्टेचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उसके आगे मिल जाए आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टेचू, जिन्हें हमारे संविधान का लिखा था प्रस्ताव देख सकते हैं, ये इनका स्टेचू है, इनके पढ़ सकते हैं, और थोड़ा आगे चलते हैं। के लिए आपको देखने मिलेंगे हमारे देश के जो सेना के वो है मेजर वगैरह हैं सिपाही हैं जो शहीद हुए हैं उन सब के बारे में, तो आपको चलो भी दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा बताऊँगा नहीं जाना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बताने में आपको, तो मैं आपको दिखाता हूँ, और आप वीडियो में पोस्ट से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, वरना आप वीडियो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। मेजर सोमनाथ जी का है यहाँ लिख रखा उनके बारे में, और ये नायक जादूनाथ सिंह जी ये देख पड़ सकते हैं कह रहे हैं, और सामने लाल सिंह नायक करम सिंह, ये लंस नायक करम सिंह जी, और सामने ये है मेजर पीयूष सिंह सखावत यहाँ पढ़ सकता है उनके बारे में, और दूसरे मिलते हैं मेजर राम रघोबर राणे ये पढ़ सकते हैं, और इधर है कैप्टन गुरबचन सिंह सलियारा ये इनके बारे में है, और बगल में इनकी है मेजर सैतान सिंह भट्टी, और इनके तो वैसे कहानी भी उठाते हैं तो है। नाम भी शैतान सिंह तो पाकिस्तान के उन्होंने बैंड बजा रखी थी, और यह सुबेदार जोगिंदर सिंह
प्रशासन के बारे में। तो ये मेजर धन सिंह थापा, और इनके आपको कुछ मिल जाएंगे कप्तान क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। ये एक तोप होती है जिसको चलाना मतलब अपनी मौत को दाव देना, ये उनके उनके बना रखा है। और ये अकेले सबको चलाते थे, दुश्मन मतलब टैंक था, दुश्मन का टैंक इन्होंने अकेले उड़ाए थे, दो टैंक उड़ाए थे, तीसरा टैंक आमने सामने हुए थे। तो तीसरा टैंक जब इनके साथ टकराया था तो इन्होंने मिसाइल छोड़ी, तो टैंक मिसाइल छोड़ी तो इनकी चीथड़ा उड़ चुके थे बेचारों के, और टैंक भी इन्होंने नष्ट कर दिया था भारतीय सेना के खिलाफ जो आ रहा था। ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप, ये लेफ्टिनेंट एपी तौर पर, और इस साइड आपको देखने मिल जाएंगी पोखरण का एवन यहाँ का एक सीन दे रखा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना हो तो आपको। और यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी तिरंगे का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। मिल जाएंगे आपको सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखो, मेजर होशियार सिंह दहिया, ये पढ़ सकते हैं देख सकते हैं। तो ये हैं लांस नायक अल्बर्ट रेखा, मेजर रामास्वामी परमेश्वर धरन, नायब सुबेदार बना सिंह, पोखरण टू यहाँ पढ़ सकते हैं देखिए, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, APJ अब्दुल कलाम, तो यहाँ पर देखिए बाकी मेजर्स हैं गार्डी योगेंद्र सिंह यादव, रफेल संजीव कुमार, और ये कैप्टन विक्रम बत्रा, तो ये लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। तो ये इस गाइड में ये थे सारे ऑफिसर्स हमारे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो गाइस तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्या क्या सीन है और क्या क्या दिखने वाले हैं। तो अभी के वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो खुला पड़ा है यहाँ पर खाने पीने को, खा सकते हैं आप, यहाँ पर लिख रखा समोसा भी, छोले 130 रुपये, 2 पीस कचौड़ी सभी 130 रुपये, सब 130 ढाई सौ चीज़ लिख रखा देख सकते हैं यहाँ पर। और सामने इसके ये है, ये भीड़ है नहीं यहाँ पर, बैठने चलने की कोशिश नहीं की यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, और ये देखते सामने ही है बाथरूम, हम तो बाथरूम आप देख सकते हैं, यहाँ बाथरूम आपका। तो गाय जैसे देख सकते सामने ये लिख रखा है यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी शहीदी पार्क, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमल द्वारा मंगलवार दिनांक 7 सितंबर 2000 को शांति देसाई मंदिर के संपन्न हुआ। बहुत ही खुश लगा सर इसका। इस बार का एंड है देख सकते हैं, और सामने चक्र मार का देख सकते हैं कि पानी गिरता है उसके अंदर से। वीडियो बस ये तक की, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलें। इस पार्क में आए, इस पार्क की शोभा बढ़ाएं, अपने फैमिली साथ आएँ, दोस्तों साथ जरूर यहाँ पर आएँ, और साथ साथ हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये पार्क आपको कैसा लगा, शहीदों की याद में ये पार्क बनाया गया है, तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, एक नए जगह पर नए लोकेशन पर, फिर भी जब तक घर पर अच्छे से रहें और मज़े करें।